क्या हाल चाल है सारे भैया के भाई। आज की छठे दिन की शुरुआत कर लेते हैं। और रात में माइनस 6 डिग्री तापमान था, बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई। और आज चुकुंजम पास जाएंगे, अभी यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है और इतनी ज़्यादा ठंड है। अभी भी -3 टेम्परेचर है, मतलब नीचे इनर पहनी, उसके बाद टी शर्ट पहनी है और फिर ये अपना रेन चीट पहना है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। और टाइम हो चुका है सुबह के 7:30। आज का छठे 6 दिन में से आज पहला दिन ऐसा है जो सबसे पहले उठे हैं ना, तो 9, 10, 11, कल तो 12 बजे निकले थे, आज 7:30 बजे, मतलब 8 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। आधा घंटा और लगेगा, चाय वाय पी रहे हैं, सब तैयार हो चुके हैं और ऐसे बने रहना हमारे साथ। अभी तो मेन एडवेंचर तो बाकी है मेरे भाई, अभी कुंजम पास जाएंगे, उसके बाद देखते हैं चंद्रताल और फिर मनाली, मनाली से फिर घर। भाई यहाँ से निकलते ना चेक पोस्ट लगी हुई है और आगे रास्ता ख़राब है ना, तो इसलिए यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं बाइकों की, गाड़ियों की, गाड़ी नंबर, स्टेट और मोबाइल नंबर। और यहाँ से निकल चुके हैं सारे भाई, आगे एंट्री होगी और चल रहे हैं। चलो हम निकल चुके हैं। और कल शाम को आए थे ना भाई यहाँ पे स्टे किया था, तो जब अपने बगल वाले उसमें ना अपने फौजी भाई थे, उन्होंने बताया था कि रास्ता बंद है, आपको जाना है तो सुबह सुबह जल्दी जाना, इसलिए आज सुबह 8 बजे निकल गए। तो आज जल्दी निकलने का यही कारण था। पता क्या है, धूप निकलने बाद ना वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बाइक में गिरने का डर रहता उसमें, इसलिए जाने नहीं देते, फिर रास्ता बंद कर देते हैं, तो इसलिए सब जल्दी जल्दी निकले। फौजी भाइयों ने ये बोला था कि जल्दी से जल्दी निकल जाना धूप में निकलने से पहले, तो आप निकल जाओगे। और अभी 15 किलोमीटर का है, पास पहुंच जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई आज की वाटर क्रॉसिंग आई थोड़ी बड़ी, आराम आराम से चल लेंगे। पहले गियर में फट लें, ऊपर से चलना हुआ है, जो जो दिन बढ़ जाएगा ना धूप लगड़ी जगह, वो तेज हो जाएंगे नरे। अरे बर्फ पूरा बर्फ बढ़िया हटेगा, जो जो ऊपर जाना है बर्फ। कुंजुम पास रह गया 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर के बाद और ज़्यादा ठंड हो जाएगी सारी स्नो, मतलब स्नो के जो माउंटेन जो 2-3 दिन तक देखा थे ना हमें, उनके ऊपर आ गए हम बर्फ वाले पहाड़ा पा गए। अरे कुंजुम पास पर है बर्फ, पावे पावे बताओ है। देखियो दे सारी नुआर पर सही पहाड़ा कूने में, अरे वही सर रास्ता देख लो भाई सारा, ओहो डपट है भाई, बाइक स्किट करा भाई, चिकनी माटी है ना, बाकी आराम से जान बचाना पड़ेगा, ब्रेक मारते तो कहानी खत्म है, गोदाका उठागा कोठानी अभी पूरा पछ तकड़ी जाना माऊंगे। अरे अगले तो बाइक नहीं उठा भाई, बेसक वजन इतना ज़्यादा ना है पर उठे को ना रुपए की फिर आराम आराम तो चलना में फायदा है, कभी प्यार तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो रास्ता देख लो आज का, अरे उस शाम पहाड़ पर बर्फ देख लो, बर्फ के पहाड़ा पहुँच गए। भाई बच गया पीछे ना कैमरा तो था, और एक साइड में जो बर्फ़ है ना इस साइड में गीला था, ऊपरली साइड में सूखा था, तो गीले में से ना क्रॉस करके सूखे की साइड जाऊँगा, बाइक पर नचाल रही ना उल्टा मुँह हो गया, पूरी घूम गई बाइक, एक बता लग गया था गए हो गया काम आज तक। नीचे देखो सुनो सुनो तो ऊपर आ गए हैं, या देख सुनो पूरे सुनो के माउंटेन पर आ गए भाई, या पड़ी बर्फ मैं कहूँ खतरनाक गणा है रन है। अपनी जो एम टी है ना भाई, इसका टायर वैसा है इसको विंटर में बिल्कुल भी नहीं ला सकते, विंटर में तो यार चल रहा है कोई ना कहता धक्का उठा गई, मतलब जब डिब्बे उठन ना हो रहा मड़े उसमें स्लिप करे गणी करी। और वाक्य में ना मज़ेदार रास्ता है, मज़ेदार खतरनाक कुछ भी बोल लो, देखियो कभी बर्फ पर पहुँच गए। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, अपने पास माइक नहीं है, शीशा खोल कर बोलना पड़ा है ना, कभी सन हो रहे हैं नाक गाल, ओहो क्या जो चिकनी चिकनी माटिया हो ना 8 रुपए बाइक,
लो भाई कुंजुम पास पहुंच गए हैं और कुंजुम पास अपना समुद्र तल से 45,090 मीटर की ऊंचाई पे है। ओहो हो आकर है ये अपना कुंजुम पास का है। ये भाई साहब वीडियो बना रहे हैं गुरु जी अपने और कदी बर्फ के मैं पहुंच गए ही पे। लोग कुंजुम पास पे पहुंच गए हैं और ठंड हो रही बहुत ज़्यादा। आ दे भाई अपने बच्चे हैं पीछे वो आ जाएंगे जब तक है ना। देखो पूरे तो हाथ लाल हो गए हैं, पूरा चेहरा लाल हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ठंड को दूर करने के लिए अभी चाय बनाएंगे, गर्मा गर्म चाय पियेंगे और अपना चाय की तैयारी हो गई है फुल। डिस्काउंट देंगे आपको। ये अपने मास्टर जी तैयारी कर दी फुल, अभी चाय बनाएंगे आपको। ठीक है जाके और सारा जेन्युइन पार्ट मिलेगा, सारा रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट मिलेगा। हमारा सीधा ऑथराइज्ड डीलर से टाइप है। हमें अपनी हालत से पता चल रहा है इतनी बेकार हो रही है, हर चीज ये देखो बर्फ हो रही है। मैं आपको चाय बताऊंगा, देखो बर्फ में इस इलाके में कैसे चाय बना रही, इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है। हमारे गुरु जी बना रहे हैं और ये हमारे अमित भाई है। देखो चाय देखो भाई जी का बहुत बहुत, ये हमारे गुरु जी है, मास्टर जी है हमारे भाई। इस ट्रिप में ना सबसे ज्यादा मजे ले रहे हैं ये रंगा, ये बिल्ला, ये रंगा बिल्ला भाई आखिर मजे ले रहे हैं ट्रिप में। भाई साहब 1.5 लाख फोटो खींच दिए एकदम ही। चाय पत्ती पकड़ाइयो, अरे बच्चा तैयार हो जाएगी गर्मा गर्म, अड़चन तो दूर हो जाएगी। खत्म। लो भाई चाय वाय पी ली है और कुंजुम पास के अंदर है ना, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा 100 मीटर और यहाँ पे कुछ बना हुआ है वो देख के। और चलो निकलते हैं अभी, डिसाइड करेंगे चंद्रताल जाएंगे या मनाली जाएंगे, अभी फाइनल करेंगे 10 मिनट के बाद, फिर आपको बताते कहाँ जाएंगे। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये इनके देवताओं का स्थान बना हुआ है यहाँ पे, सारे यही बने हुए हैं, ऐसे ही बने हुए हैं देख लो। वहाँ पे गए थे ऊपर टॉप पे, वहाँ पे भी ऐसे बने हुए थे और यहाँ पे भी ऐसे बने हुए हैं। यहाँ सब फोटो वोटो खिंचवा रहे, ये ऐसे बना हुआ है। वैसे और ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे स्नो है, ये सामने स्नो पड़ी है थोड़ी बहुत और ये बस ऐसा ही है। ये अपने दीपक भाई मजे ले रहे, कैसे दीपक भाई ज्ञान आ रहा है। चलो भाई मेमोरी कम है कार्ड में तो बड़े बड़े सीन दिखाते हैं आपको। वो देखो सामने काम स्नो पे चढ़े हुए हैं बंदे, ओ गाड़ी में से उतर के स्नो पे चढ़े हुए हैं, मजे ले रहे हैं। कंजुम पास तो हो गया है और चंद्रताल जाएंगे अभी, और चढ़ाई में तो चढ़ गई थी, अब नीचे उतरना है। नीचे उतरे टाइम पता क्या प्रॉब्लम है, ब्रेक मारने पड़ेंगे, स्लिप हो करेगी बाइक बहुत ज़्यादा। जो अपने साथ में है ना जिन्हें कर रखा वो कह रहा बंदा गिरे तो पक्का का, अरे अपने तो बाइक में गुडरी है नहीं टायर में, अपनी तो गिरेगी। वैसे ही गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ से नीचे ना गिरे। यहाँ तो पूरी स्नो है अभी, यहाँ की स्नो तो बहुत लेट पिघलेगी, जुलाई जुलाई में के एंड में जाके पिघलेगी स्नो, तो बहुत कम चांस है। पूरा पानी पानी में से जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होगी, डाटा ट्रांसफ़र नहीं किया RTH में और मेमोरी कार्ड फुल हो गया, रेड दिखा दिया है, कल येलो दिखा रहा था और कल भी लाइट नहीं थी ट्रांसफ़र करते, तो लैपटॉप चार्ज नहीं था भाई का और वही चला रहे हैं आज, दिक्कत होने वाली है। बीच में ही ला ले चंद्रताल से पहले, मेमोरी फुल हो गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब मेमोरी बदलने के लिए दिक्कत हो जाएगी। एक मेमोरी है एक्स्ट्रा अपने पास 8 GB की, 128 GB की, 8 GB में कितना आएगा, हद मार के चंद्रताल कवर हो जाएगा। क्यों 4K में कर रहे हैं अब की बार,
फुल एसटी में। ज़्यादा वीडियो ना बनाते हुए चल रहे। सुनो देख लो भाई कितनी ऊंची ऊंची है, अभी कम से कम 5-5 फीट बर्फ है यहाँ पे, 5-5 फीट है देखो। और बस बाइक का ना बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया अभी नीचे उतारने में, जो चढ़ाई आ रही ना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे उतारते टाइम ब्रेक मारने पड़ेंगे, ब्रेक मारते स्लिप करेगी बाइक। लो भाई लगभग उतर ही गए हैं नीचे, शायद ये पानी वाला ना लास्ट पैच है, देखो बर्फ़ के नीचे से कैसे पानी आ रहा है और पानी में से अपनी बाइक चल रही है। मेरे हिसाब से तो हाँ लास्ट ही पैच है ये पानी वाला, इसके बाद नहीं है शायद। पत्थरों में जा जाके गायब हो रहा है पानी, देखो नीचे पूरा पत्थर के अंदर जा रहा है, गायब हो रहा है नीचे निकल रहा है फिर। ओए ओए अभी तो है गीला, अरे भाई मुश्किल से पार हुआ है। भाई जी यहाँ से दो रास्ते फटते हैं, नीचे जाता है मनाली की तरफ और ऊपर जाता है चंद्रताल की तरफ, और अब निकलते हैं चंद्रताल। चंद्रताल चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको।